बागवान भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे, काफ़ी लोगों ने पूछा भी था हमसे कि जो वर्टिकल एक्सिस होता है एक ट्रेनिंग सिस्टम वो किस तरह से करते हैं। तो कुछ एक प्लांट्स में हमने क्या है वर्टिकल एक्सिस रॉयल डिलीशियस के ऊपर, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से होता है, किस तरह से करना चाहिए। और रॉयल डिलीशियस के ऊपर जो हमने वो किया है उसके क्या हमें रिजल्ट मिले वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो देखें आप आगे। दोस्तों देखिए, आप जो ये प्लांट आपको नजर आ रहा होगा, ये रॉयल डिलीशियस का प्लांट है, कोई 6 साल का ये प्लांट होगा। तो वर्टिकल एक्सिस करने की इसमें हमने कोशिश की थी। पहले ये भी ट्रेडिशनल तरीके से ट्रेन हो गया था, जैसे ये वाली जो ब्रांच है ये ऊपर स्ट्रेट जा रही थी, हमने बेंड की थोड़ी, आप देखिए तो इसका एंगल सा एक बन गया है, 45 डिग्री का एंगल मान के चलिए। तो जो ये वाली काफ़ी मोटी ब्रांच थी तो ये भी हमने बेंड की थी। तो जो ये ऊपर वाली ब्रांचेज है आप ये देखिए, वर्टिकल एक्सिस में क्या होता है कि आपने जो ये ब्रांच है इसको नीचे बेंड नहीं करना है, हॉरिजेंटल से नीचे बिलो हॉरिजेंटल नहीं करना है, इसको आपने इस तरह से रखना है इस एंगल में। इससे क्या होगा कि जो स्पर फॉर्मेशन है वो भी अच्छी होगी। आपको जैसे ये नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पे ये छोटे छोटे स्पर्स है ये यहाँ पे। तो इस तरह से वर्टिकल सिस्टम जो है वो होता है ट्रेनिंग सिस्टम। तो जो ब्रांचों की सिलेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है। अगर मैं इस तरह से आपको दिखाऊँ तो इस तरह से ये ब्रांचेस होनी चाहिए, ये है। तो इसको शुरू से हमने ट्रेन नहीं किया था क्योंकि जो ब्रांचेज निकली थी वो ये हमने बेंड की, नहीं तो प्रॉपर तरीके से हम जो ये ब्रांचेज है उसमें रखते। पर परफॉर्मेशन फिर भी इसमें काफ़ी अच्छी हो गई है। एक आगे और पेड़ दिखाता हूँ जो हमने बनाया है, अच्छी तरह से थोड़ा ट्रेन किया है वो आगे दिखाता हूँ आपको। ये जो रॉयल डिलीशियस है इसमें काफ़ी अच्छा फ्रूट निकला था, आगे आप सैंपल देखिए। वो आप फ्रूट मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये है रॉयल वैरायटी का सेब है, ये 7500 फीट में सीडलिंग के ऊपर लगा है और सीडलिंग के ऊपर भी इसकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, इसमें भी काफ़ी अच्छा शेप और साइज़ है, कलर ऑलमोस्ट इसमें आ चुका है। और मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे घने लगे हैं सेब, आप ये देखिए कि किस तरह का कलर इसमें आया है और किस तरह का साइज़ है इतने घने में भी। सनलाइट पेनेट्रेशन इस ट्री में काफ़ी अच्छी है, 4 से 5 साल पुराना ये पेड़ है। अगर आप ये देखिए यहाँ पे भी, तो ये रॉयल का है 7500 फीट में। ये आप देखिए जो ये प्लांट है, ये भी हमने ट्राई किया था वर्टिकल एक्सिस में ट्रेंड करने के लिए। तो वर्टिकल एक्सिस में बेसिकली आप थोड़ा ब्रांच को 45 डिग्री के एंगल में बेंड कर सकती हो, ना आपने बिलो हॉरिजेंटल करनी है ना ज़्यादा हॉरिजेंटल रखनी, थोड़ा सा उसमें जैसे ये वाली ब्रांच है देखिए तो एकदम नीचे बेंड नहीं है हमने की थी। तो इस तरह से आप वर्टिकल एक्सिस में कर सकते हो। और जो फैदर होते हैं, टहनियाँ होती हैं, उसमें काफ़ी डिस्टेंस चाहिए। जैसे आप देखिए एक टहनी यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, तो बीच में देखिए आप गैप, ये देखिए आप यहाँ पे गैप है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह का गैप चाहिए। जैसे ऊपर तक आप देख सकते हो इसमें काफ़ी गैप है। तो इस तरह से आपने ट्रेंड करना है वर्टिकल एक्सिस में, तो आप इस तरह से कीजिए। और बेंड हमने किया था, ये थ्रेड वगैरह बांध के निकाली नहीं है हमने थ्रेड इससे, तो निकालेंगे, थोड़ा हमने दिखाने के लिए आप सभी के लिए रखी थी थ्रेड्स। तो इस तरह से आप इसमें ट्रेंड कर सकते हो वर्टिकल एक्सिस जो हमारा सिस्टम होता है। अब जो टॉल स्पिंडल होता है वो कहाँ होना चाहिए और वर्टिकल कहाँ होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। वर्टिकल एक्सिस आप वहाँ कर सकते हो जहाँ पे आपने प्लांट की जो दूरी है वो 8 से 10 फीट की रखी है, तो वहाँ पे आप वर्टिकल एक्सिस ट्रेंड कर सकते हो। वर्टिकल एक्सिस में ये होता है कि आपने कोई ज़्यादा सेकेंडरी ब्रांच नहीं लेनी है, जैसे ये आपकी ब्रांच है तो इससे कोई सेकेंडरी ब्रांच आपने नहीं लेनी है, तो आपने जो रखनी है स्पर फॉर्मेशन वो बस इसी ब्रांच में रखनी है, तब जाके क्वालिटी जो होगी अच्छी बनेगी। तो वर्टिकल एक्सिस आप वहाँ कीजिए जहाँ पे आपने दूरी 8 से 10 फीट रखी है या 7 से 10 फीट के करीब रखी है,
और जो टॉल स्पिंडल मेथड है वो आप वहां कर सकते हो जहां पे आपने दूरी रखी है 2 से 3 फीट के करीब, वहां पे वर्टिकल एक्सिस करना चाहिए। ये हमारा हाई डेंसिटी का यहाँ प्लॉट है, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने टॉल स्पिंडल मेथड किया है, आप ये जैसे देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए टॉल स्पिंडल में क्या होता है कि जो ब्रांचेज है वो बिलो हॉरिजॉन्टल बेंड करनी पड़ती है। उसका क्या बेनिफिट रहता है कि जो स्पर फॉर्मेशन है वो काफी अच्छी हो जाती है। पर टॉल स्पिंडल वहीं करना चाहिए हमें जहाँ पे जो प्लांट की दूरी है वो हमने कम रखी है। ये जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यहाँ पे है ये है 3 फीट के करीब, तो 3 फीट दूरी जहाँ पे हो वहाँ पे आपने वर्टिकल एक्सिस नहीं करना है, वहाँ पे आपने करना है टॉल स्पिंडल मेथड। तो सारे प्लांट में ये टॉल स्पिंडल मेथड क्या है, हमने मेमामी स्टार के प्लांट से ये स्पर फॉर्मेशन आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ तक पीछे तक हो चुकी है। तो ये बेनिफिट होता है टॉल स्पिंडल मेथड का। जो ज़्यादा विग्रेस वैरायटी है उसमें हम टॉल स्पिंडल अगर करेंगे तो जो ये शूट्स है वो ज़्यादा बाहर निकलेंगे, सीडलिंग के ऊपर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर स्पर टाइप वैरायटी हो सीडलिंग के ऊपर तो हम टॉल स्पिंडल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा विग्रेस है तो थोड़ी मुश्किल होती है, हालांकि कर तो सकते हैं पर थोड़ा मुश्किल होती है। पर जो ये ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक है उसमें ज़्यादा कामयाब है ये टॉल स्पिंडल मेथड। तो जो ये सारे प्लांट्स हैं मेमामी स्टार के है, तो इसमें सारा हमने वही सिस्टम किया है। देखिए आप, तो इस वीडियो में बस बागवान भाइयों इतना ही आप सभी को हम बताना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।